टाइप्स ऑफ अकाउंट की हम फर्स्ट वीडियो में जो है हमने पर्सनल अकाउंट को पूरा कवर कर लिया था। अभी नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट चूंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी था और बहुत ही बड़ा था, तो मैंने सोचा कि उसको एक वीडियो में कवर करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने जस्ट शुरू ही किया था, बट मैंने सोचा कि वहां पे हम कवर नहीं करते। तो रियल अकाउंट अब हम समझेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप सपोज करिए कि आप किसी बिजनेस किसी कंपनी में आप विजिट करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी में विजिट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आप सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे एक बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है, और फिर उसके आप अंदर गए तो आप वहां पे आपको फर्नीचर दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने आपको वहां पे सारी चीजें दिख रही हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रियल अकाउंट वो होता है, मतलब रियल अकाउंट को वो चीजें इफेक्ट करती हैं जो हमें दिखती हैं। मतलब कि जैसे बिल्डिंग हमें दिख रही है, ठीक है, हमें फर्नीचर दिख रहा है, हमें लोग भी दिख रहे हैं, बट हमने उनको क्या किया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। तो रियल अकाउंट का मतलब मेरा कहने का है कि जो जो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो मैं और जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसका कि रियल अकाउंट का क्या है। जैसे मान लीजिए कि मशीन, ठीक है, फिर प्लांट। प्लांट क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि प्लांट क्या होता है कि जैसे कि आपने फूड फैक्ट्री का चैनल देखा होगा जहां पे आइसक्रीम बन रही है, उसके लिए पूरा एक लंबा सा प्रोसेस होता है कि जिसमें पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर वो मल्टीपल प्रोसेस के साथ होने के बाद फिर एंड में जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, जो आइसक्रीम बन के आती है। तो वो जो आप देखते होंगे जो वेरियस मल्टीपल जो मशीन एक साथ काम कर रही हैं किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो वो कंप्लीट जो मशीन लगी है तो उसको हम पूरा बोलते हैं प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं बिल्डिंग। तो नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग। हम बिल्डिंग को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। गुड्स, हम गुड्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया हमारा फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो गया हमारा? फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, वो भी क्या होता है? टैंजिबल होता है, ठीक है। फर्नीचर हो गया। कैश, हम कैश को भी देख सकते हैं, तो एटसेट्रा। इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप ह्यूमंस और कंपनी, अब आप ये बोलेंगे कि जो बिल्डिंग हमने देखी तो वो एक बिल्ड मतलब जैसे एक्स लिमिटेड है, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड और बिल्डिंग में, बिल्डिंग तो यार क्या है, वो फिजिकल उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्डिंग है, ठीक है, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका वो कहां पे है? कंपनीज एक्ट में, ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लैंड। मतलब मान लीजिए कि जहां पे हमें बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग जहां पे बनी हुई है उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं बिजनेस में, ठीक है, और ये जितनी भी सारी चीजें दिखा रही हैं ये रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो जब भी हम रूल्स के साथ अपने मतलब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो हमें ये सारी चीजें वहां पे दिखेंगी, ठीक है। तो हम वहां से समझेंगे कि अच्छा मशीन आई है, ठीक है, तो ये मशीन क्या हमारा रियल अकाउंट है। तो वहां पे जो रियल अकाउंट का जो हम रूल पढ़ेंगे वो हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो आपकी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी रियल अकाउंट के लिए मैं ये सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसका फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम आगे अब मूव कर रहे हैं, रियल अकाउंट हो गया हमारा, अब हम चल रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि जितने भी सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, जितने भी सारे खर्चे होते हैं जो हमको बिजनेस में लॉस होता है, जो हमारे इनकम्स होती हैं और हमें कुछ गेन्स होते हैं, तो वो सारे कहाँ कवर किए जाते हैं? वो नॉमिनल अकाउंट में कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे मैं अच्छे से और समझना चाहूंगा कि एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं
जैसे कि रेंट पेड, ठीक है, हमने बिल्डिंग रेंट पे ली, किस पे ली, रेंट पे, तो हमने उसका मंथली क्या कर रहे हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, उसका खर्चा है, ठीक है। हम मान लो कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी भी क्या खर्च है, बिजनेस का। तीसरा एक्सपेंस हम ले लेते हैं कि रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की बिल पे किया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि और भी कौन से खर्चे हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमको बिजनेस में हमने रेंट दिया, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, और भी कई सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको सेपरेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेसेस में कैसे कैसे खर्चे होते हैं। यार अब मान लीजिए कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे खर्चे भी होते हैं। तो आई होप सो इस चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा लॉसेस की बात कर ले रहा हूँ। तो लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस हमारे, मान लीजिए कि हमने एक मशीन खरीदी, मशीन की वैल्यू कितनी थी, मशीन एक हमने खरीदी, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, कितनी थी 1 लाख की, बट हमने उसको सेल किया, जब हमने उसको सेल किया तो उसको हमने बेचा 80,000 रुपए, कितने का, 80,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए का जो हमने जो डिफरेंस आया, ये हमारा क्या है, लॉस है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये लॉस समझ रहे ना, कि 1 लाख जिस मशीन की वैल्यू थी, हमने उसको 80,000 रुपए का बेचा, तो जो 20,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, लॉस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए हमारे, हो गए लॉसेस, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और भी लॉस, जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, हमारे बिजनेस में आग लग जाती है, तो ये भी हमारा क्या है, बिजनेस का नुकसान है, ठीक है। तो हमारा ये एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी खर्चे हो गए, खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं, खर्चों की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे खर्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है कि कितने सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे और लॉसेस भी हमने कवर कर लिया, अब हम समझ रहे इनकम एंड गेन्स। अब इनकम क्या है, मान लीजिए कि हमें मैं यहाँ से एग्जाम्पल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, उसके बाद नोट लीजिए, जब जनरेटिव करेंगे तो ये हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो इनकम कैसे क्या हो सकता है, इनकम ये भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनकम है। फिर नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव हुआ है, क्या, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे चीजें समझेंगे, ठीक है। तो बस अभी अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब हमें कहीं से पैसा रिसीव हुआ है इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो वो हमारी इनकम है। कमीशन हमें रिसीव हुई है, तो वो भी हमारी क्या है, इनकम है, ठीक। तो हमने एक्सपेंसेस कवर कर लिए, लॉसेस कवर कर लिए, और हमने इनकम भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गेन। गेन क्या होता है कि आपको गेन, ये मैं समझा रहा हूँ कि ये अभी आप जब आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, जब मैं वहां पे बताऊंगा कि ये मैं क्यों सारी चीजें बातें कर रहा था। तो यहाँ पे आप खाली देखते रहिए इसको, समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप जब मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो खाली अभी इन टर्म्स को आपको क्या करना है, समझना है, क्योंकि आज आप पहले दिन सीख रहे हैं, तो आपको ये सिर्फ सारी चीजें ध्यान से सुननी है और आपको नोट करते रहना, ठीक है। तो गेन क्या है, मान लीजिए कि हमने गोल्ड परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी, गोल्ड हमने परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, कितने की, 1 लाख रुपए हमने गोल्ड खरीदा था। फिर जब हमने उसको सेल किया, गोल्ड को जब हमने क्या किया, सेल किया, तो वो बिका 1,20,000 का, कितने का, 1,20,000 का। तो यहाँ पे जो 20,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, ये हमारा क्या है, गेन है, ये क्या हमारा, गेन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि गेन क्या होता है, ठीक है। तो
ये हमारा इनकम का पार्ट हो गया, ये हमने गेन भी समझ लिया क्या होता है, और ये लॉसेस भी हमने समझ लिए कि क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पर्सनल को समझ लिया चूंकि वो बहुत बड़ा था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम उसके बाद हमने रियल समझा, रियल की भी सारी चीजें हमको समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने नॉमिनल भी समझा। नॉमिनल, आप ये सारी चीजें आपको और ज्यादा कब क्लियर होंगी, जब आप अभी नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, तब आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी बात इसमें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। हम तीनों अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के ही हम क्या गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज करने को मिलेगा। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं की है तो आप जाके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना, फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल समझना। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जर्नल एंट्रीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जर्नल एंट्रीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक किसी भी चीज का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो आप बिलीव करिए कि अगर आप अच्छे से जर्नल एंट्री नहीं कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम आगे धीरे धीरे हमारी अकाउंटिंग आपको आपको धीरे धीरे टफ लगने लगेगी और आप अकाउंटिंग से डरेंगे, अकाउंटिंग आपको करना पसंद नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अकाउंटिंग आपके लिए मजेदार सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला है कि अकाउंट्स को मैं गोल्डन रूल्स मतलब जर्नल एंट्रीज को मैं पास कराना दो तरह से सिखाऊंगा, एक गोल्डन रूल की तरह से सिखाऊंगा और एक मैंने बोला कि विदाउट यूजिंग गोल्डन रूल्स। तो मैं दोनों मेथड से जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि पहला दिन है तो मैं चाहूंगा कि आप पहली बार जो आप पहले दिन क्लास कर रहे हो तो आप रूल्स के साथ सीखें। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।